लॉरेंस बिश्नोई को मिली उसके पापों की सजा। पंजाब पुलिस ने किया थर्ड डिग्री टॉर्चर, रहम की भीख मांग रहे लॉरेंस बिश्नोई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आए, पंजाब पुलिस अब बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सवालों का सीधा सीधा जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। वो पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अब पुलिस पूरी तरह सख्ती के मूड में आ गई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को थर्ड डिग्री टॉर्चर देना भी शुरू कर दिया है। अब लॉरेंस बिश्नोई को ना तो खाना पीना दिया जा रहा है, साथ ही शौच भी करने नहीं दिया जा रहा है। अब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से असली सच निकलवा के ही सांस लेगी। आपको बता दें अब इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की बुरी तरह पिटाई भी लगाई जा रही है। साथ ही अगर अब वो पुलिस की बातों का सही जवाब नहीं देता है तो आगे भी थर्ड डिग्री टॉर्चर चलता रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई थी कि उनके क्लाइंट के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए, जबकि पुलिस सच निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दुनिया जानती है लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करी थी, बावजूद उसके अब अपनी बातों से वो रिमांड में पलट रहा है। इसके बाद अब पुलिस गुस्से में लॉरेंस बिश्नोई की और भी अच्छे से खातिरदारी कर रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पंजाब पुलिस वास्तव में ठीक कर रही है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।